क्लास सेवन में हम लोग देखते हैं, दूसरा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्लास सेवन में दूसरा चैप्टर जो है ये देखते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन इन एनिमल है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल मीन्स एनिमल जो है अपना खाना पीना कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में देखा है, चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा है कि प्लांट जो है, प्लांट वो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना भोजन, ओन फूड। हम लोगों ने देखा है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें प्लांट जो है अपना भोजन करते हैं, बट एनिमल कैन नॉट, एनिमल जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से मिलता है, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। या ऐसे एनिमल को हम लोग खाते हैं जो कि प्लांट खाता है। हम लोग अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, या तो फिर ऐसे एनिमल को खाते हैं जो कि प्लांट खाता है। कह रहा है कि याद कीजिए, रिकॉल, याद कीजिए दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स फूड, सब एनिमल को फूड चाहिए। अब बात यह आती है कि फूड क्यों चाहिए, तो फूड जो चाहिए वो ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी के लिए जो है फूड चाहिए। अब हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं, यू हैव स्टडीज इन क्लास सिक्स में आपने देखा है कि फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो क्या होंगे कंपोनेंट में, यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोटीन लिख सकते हैं, यहाँ पे फैट लिख सकते हैं, फिर और क्या हो सकता है, मिनरल हो सकता है, विटामिन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, मिनरल होगा, विटामिन होगा, ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे आगे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ फूड सच एस कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस, कार्बोहाइड्रेट जो कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस है, कह रहा है कि दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, कह रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट एज सच यूटिलाइज नहीं हो सकता है, दे आर ब्रोकन डाउन, इसको तोड़ना पड़ता है, किस में तोड़ना पड़ता है, इनटू सिंपलर सबस्टांस में इसको तोड़ना पड़ता है। कह रहा है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ यहाँ पे इसके बाद क्या है, कंपोनेंट ऑफ इनटू सिंपलर सब्सटांसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस को सिंपलर सब्सटांसेस में तोड़ने को डाइजेशन कहते हैं। ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस को सिंपलर सब्सटांसेस में तोड़ने को ही डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं हम लोग।
तो कॉम्प्लेक्स सबस्टांप्स को सिंपलर में तोड़ने के मेथड्स को डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाइजेशन देखा। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस को सिंपलर में तोड़ते हैं, इसको जो है डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन, तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब बात ये आती है कि डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट वे, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं फूड को लेने के लिए, डिफरेंट वे क्या क्या है। कह रहे हैं कि मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स। कह रहा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है तरह तरह से भोजन लेता है। कह रहा है कि बीस जो मधुमक्खी है या ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर, वो चूसता है नेक्टर। किसका नेक्टर? नेक्टर ऑफ प्लांट। और कह रहा है कि इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, छोटे बच्चे जो हैं ह्यूमन के, एंड मेनी अदर एनिमल्स, बहुत दूसरे तरह के एनिमल, फीड ऑन मदर्स मिल्क, जो छोटे बच्चे हैं या बहुत दूसरे तरह के एनिमल, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि स्नेक, कह रहा है कि स्नेक लाइक पैथन, सैलो, वो पूरा निगल जाते हैं एनिमल दे प्रे अपॉन, जो भी वो जानवर खाते हैं पूरा उसको निगल जाते हैं। इसके अलावा बता रहा है कि सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर देयर टाइनी फूड्स पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। तो तरह तरह की फूड जो हैं ये लेते हैं। अब कह रहा है कि वेरियस काइंड ऑफ फीडिंग जो है क्या क्या है। नेम ऑफ एनिमल यहाँ दिया हुआ है, नेम ऑफ एनिमल है, ये किस काइंड का फूड लेते हैं। अब मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्नेल कैसे लेता है, एंट कैसे लेता है, एगल, ह्यूमिंग बर्ड है यहाँ पे, लाइस है, मॉस्किटो है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को देखना है कि तरह तरह के एनिमल जो है कौन क्या करता है, स्क्रैम्पिंग कौन करता है, चीविंग कौन करता है, ब्रीविंग कौन करता है, कैप्चरिंग कौन करता है, सकिंग कौन है, सैलोइंग ये कौन है। इस लिस्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, भरने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा है, ये स्टार फिश हम लोग देखे होंगे, स्टार फिश तो इसके बारे में ये बता रहा है कि स्टार फिश जो है अपना भोजन कैसे लेता है। कह रहा है यहाँ पे कि स्टार फिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से जो एनिमल घिरा रहता है वैसे एनिमल को ये स्टारफिश खाता है। द ओपनिंग द सेल, आफ्टर ओपनिंग द सेल, उसके ऊपर का कवर हटाने के बाद क्या करता है स्टारफिश, पॉप आउट इट्स माउथ स्टोमक थ्रू इट्स माउथ, माउथ के थ्रू उसका स्टमक बाहर आता है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, खाने के लिए सॉफ्ट एनिमल को, इनसाइड द सेल, सेल के भीतर। उसके बाद क्या कहता है कि इसका स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, फ्रूट जो है उसके बाद स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। ये स्टारफिश है, इसका माउथ के थ्रू स्टमक बाहर आता है और फिर ये जो है भीतर चला जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन में कैसे होता है। डाइजेशन ये ह्यूमन में कैसे हो रहा है ये हम लोग चीज़ें देखते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन में कैसे हो रहा है, कह रहा है कि वी टेक फूड थ्रू द माउथ, माउथ के द्वारा कह रहा है कि हम लोग फूड लेते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद यूटिलाइज करते हैं, और अनयूज्ड पार्ट जो होता है फूड इज डिफिकेटेड, वो बाहर चला जाता है, हम लोग के लैटरिन के रास्ते से बाहर चला जाता है। कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी,
क्या आपने कभी सोचा है कि फूड जो है बॉडी में जाने के बाद क्या होता है? कह रहा है कि द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल, हमारे भीतर जो है एक नली है कंटिन्यूअस, वो क्या कर रहा है कि बिगिन शुरू होता है कहाँ से, हमारे बकल कैविटी से, और एंड होता है एनस से। कह रहा है कि द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे कंपार्टमेंट से कैनाल को डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या कर रहा है, ये पहला कर रहा है कि बकल कैविटी होगा, दूसरा कर रहा है कि फूड पाइप होगा या उसको ओसोफेगस पे कहेंगे, तीसरा कर रहा है कि स्टोमक, चौथा जो है बता रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और पांचवा बता रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है एंडिंग इन रेक्टम, और छठा ये बता रहा है सबसे लास्ट में एनस। कह रहा है आगे, इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, या क्या कभी काफ़ी लंबा रास्ता नहीं है? कह रहा है आगे कि दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म्स, ये सारे पार्ट मिल के फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, या इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, कह रहा है कि फूड कंपोनेंट्स जो है ग्रेजुअली क्या होते हैं, डाइजेस्टेड होते हैं। एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, फूड ट्रैवल करता है वेरियस कंपार्टमेंट में, और इनर वॉल, कह रहा है कि इनर वॉल जो है, इनर वॉल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का जो इनर वॉल है, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड, कौन कौन सा ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसके अलावा लीवर है, और फिर ये पैंक्रियास है, सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस, और जो है द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट सिंपलर सबस्टांस फूड इनटू सिंपल वंस, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देख लिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हम लोग जो देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स क्या, आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। द माउथ एंड बकल कैविटी, ये जो है माउथ आ रहा है एंड द बकल कैविटी सबसे फर्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू फूड आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनडाइजेशन, कह रहे कि जो फूड आ रहा है बॉडी में उसको इनडाइजेशन कहते हैं, चबाते हैं। द फूड विथ टीथ एंड ब्रेक डाउन, तोड़ देते हैं हम लोग मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन गम, टीथ जो है गम के थ्रू सॉकेट में रहता है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, टीथ जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग देम आर गिवन डिफरेंट नेम
उसका नाम भी जो है डिफरेंट दिया गया है। ये एक्टिविटी टू है, यहाँ पे एक्टिविटी टू है। तो आगे हम लोग ये देखते हैं कि एक्टिविटी टू में क्या होता है। एक्टिविटी टू है तो ये एक्टिविटी टू अभी हम लोग छोड़ देते हैं, आगे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग टीथ के बारे में। पहले देखते हैं, दो तरह की टीथ होती हैं हमारे में, दो तरह की टीथ होती हैं। एक जो टीथ होती है जो सबसे पहले बचपन में आती है उसको मिल्क टीथ कहते हैं, और मिल्क टीथ जब गिर जाता है तो फिर बाद में हमारे पास परमानेंट टीथ आती हैं। तो 6 से 8 साल तक जो टीथ रहती हैं उसे मिल्क टीथ कहते हैं, उसके बाद 8 साल के बाद जो टीथ आती हैं वो परमानेंट टीथ होती हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मिल्क टीथ क्या है और परमानेंट टीथ क्या है। करा कि डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो। करा कि जो आपका दांत टूटा था बचपन में, करा कि द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी बचपन में जो गिरा था फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 6 से 8 साल के बीच जो गिरा था उसको मिल्क टीथ कहते हैं हम लोग, उसको मिल्क टीथ कहते हैं, उस टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं। और सेकंड सेट जो आया था उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो दो तरह की टीथ हो गई, एक मिल्क टीथ हो गई और एक परमानेंट टीथ हो गई। यहाँ पे और हम लोग कुछ देखते हैं टीथ के बारे में। टीथ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो है इसके बारे में देखते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो टीथ है जो सामने रहता है फ्रंट में, इसको इंसीजर बोलते हैं, इंसीजर। उसके बाद दूसरा जो है जो टीथ है यहाँ, इसको कैनाइन बोलते हैं, कैनाइन टीथ। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो टीथ है इसको प्री मोलर कहते हैं, ये इनसाइड है ये। और सबसे लास्ट में जो टीथ होता है इसको हम लोग मोलर टीथ कहते हैं, मोलर कहते हैं। तो 4 तरह के टीथ हम लोग देख रहे हैं। एक टीथ को मोलर कहते हैं, दूसरे को हम लोग प्री मोलर कहते हैं, और तीसरे को हम लोग कैनाइन टीथ कहते हैं। ये कैनाइन टीथ है, कैनाइन। और यहाँ पे चौथा जो है जो फ्रंट में रहता है इसको इंसीजर टीथ कहते हैं। तो 4 अलग अलग तरह की टीथ हम लोग देखते हैं। एक है इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्री मोलर, और चौथा है मोलर। तो इतनी 4 तरह की टीथ हम लोगों ने देखा। क्या है पहला टीथ? एक इंसीजर है, दूसरा कैनाइन है, तीसरा प्री मोलर है, और चौथा मोलर है। तो 4 तरह की टीथ देखा हम लोगों ने। इसके अलावा ये भी देखा कि ह्यूमन बीइंग में 2 तरह के टीथ हैं। एक बचपन में आता है मिल्क टीथ, उसके बाद जो टीथ आता है तो परमानेंट टीथ। ये 2 तरह की टीथ हो गई ह्यूमन बीइंग में। तो ये जो है, अब हम लोगों ने ये देखा कि जो भोजन हम लोग शुरू में लेते हैं, माउथ में जो भोजन आता है उसको इनडाइजेशन कहते हैं, इनडाइजेशन। तो ये इनडाइजेशन हमारा हुआ। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इनडाइजेशन के अलावा जो है, ये यहाँ एक चार्ट बना हुआ है। ये हम लोग अपने से देखेंगे कि ये कटिंग एंड बाइटिंग टीथ हमारे में लोअर जॉ में कितनी है और अपर जॉ में कितनी, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है। पर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ कितना है और चीविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कितना है। एक लोअर जॉ में देखेंगे
और एक अपर फिट, दोनों को मिला के ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं हमारे में ये निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर जो टीथ हैं वो हैं, एक कटिंग के लिए हैं, एक पर्सिंग के लिए हैं, टीयरिंग के लिए और चीविंग और ग्राइंडिंग के लिए। तो ये कोशिश करेंगे हम लोग अपने से ये देखने के लिए कि कितनी तरह की टीथ हैं। यहाँ जो है एक महत्वपूर्ण बात आगे हैं हम लोग जो देख रहे हैं कि आवर माउथ है सैलेवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में जो है सैलेवरी ग्लैंड है, वे सिक्रीट सैलिवा, ये सैलिवा का सिक्रीशन करता है। ये सैलिवा जो है फूड पे क्या एक्शन करता है इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये कर रहा है, बता रहा है यहाँ पे कि इफ़ेक्ट ऑफ सैलिवा क्या होता है, इफ़ेक्ट ऑफ सैलिवा ऑन स्टार्च क्या होता है। ये कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब ए लेंगे, दूसरा टेस्ट ट्यूब बी लेंगे, दोनों में हम लोग जो है आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, उसके पहले इसमें वाटर लेंगे और इसमें बॉयल्ड राइस ले लेंगे, इसमें बॉयल्ड एंड च्यूड राइस लेंगे, चबाया हुआ और राइस लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो बॉयल्ड राइस जो है यहाँ पे स्टार्च होता है ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक किस कलर ये हो जाता है, वो प्रूव करता है कि स्टार्च सॉल्यूशन है यहाँ पे। फिर हम लोगों यही है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में, सैलिवा जो है ब्रेक कर देता है स्टार्च को, शुगर बनाता है ये और ब्लू ब्लैक ये हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि माउथ में जो है जीभ होती है, हमारी जीभ टंग होती है, द टंग इज़ ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द वोकल कैविटी, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, जीभ को ऑल डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। कह रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं फंक्शन ऑफ टंग क्या होता है, टंग का फंक्शन। कह रहा है कि वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, जीभ के ही द्वारा हम लोग बातचीत करने में भी सुविधा होती है। कह रहा है कि बिसाइड्स इट मिक्स सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, जब भी चबाते हैं तो सैलिवा फूड के साथ मिल जाता है और हेल्प करता है भोजन को भीतर निगलने में, स्वॉलिंग द फूड। इसके अलावा कह रहा है कि वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, जीभ के द्वारा ही भोजन का स्वाद मिल पाता है, क्यों, क्योंकि इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड जो है टेस्ट बर्ड के ही द्वारा हमें मिलता है। अब हम लोग जो देखते हैं कि दांतें जो हैं कभी कभी इस दांतों में कभी कभी सड़न की प्रॉब्लम आ जाती है, तो दांतें सड़ते क्यों हैं, टीथ डिके क्यों होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं कुछ फूड पार्टिकल यहाँ पे लगा रह जाता है, उस फूड पार्टिकल में जो है बैक्टीरिया एक्शन करके एसिड सिक्रीट करता है, एसिड, और एसिड से जो है हमारे टीथ के लेयर जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्वीट्स एंड टीथ टूथ डिके, स्वीट्स जो है कैसे टूथ को डिके करता है। कह रहा है कि नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, आगे कह रहा है कि हाउएवर इफ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ, कह रहा है कि दांत और मुंह को साफ नहीं करते हैं आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया बिगेन टू लीव एंड ग्रो इन इट, दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर प्रेजेंट फ्रॉम इट। आगे बता रहा है कि जो लेफ्ट ओवर फूड है, जो खाने के बाद जो फूड बचा रह जा रहा है उससे रिलीज हो रहा है,
एसिड, बैक्टीरिया एसिड रिलीज कर रहा है, और वो एसिड जो है जनरली क्या करता है, ग्रेजुअली डैमेज करता है टीथ को, और दिस इज टूथ डिके, यही टूथ डिके है। इसीलिए जो है इट इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट काउज सीवियर टूथेक एंड एक्सट्रीम केस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर हम लोग इसको ट्रीटमेंट नहीं करें तो दांत जो है चला जाता है। कह रहा है कि चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया एंड अदर शुगर प्रोडक्ट जो हैं मेजर कल्प्रीट हैं टूथ डिके के। ये चॉकलेट स्वीट्स जो हैं दांतों के दुश्मन हैं, शुगर से बने हुए चीज़ें। तो जब भी हम खाएं ऐसी चीज़ें, ब्रश हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। कह रहा है कि देयर फोर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लस। डेंटल फ्लस क्या है, ये स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स है विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल। डेंटल फ्लस क्या करता है, डेंटल फ्लस धागा होता है दो दांत के बीच जो फूड हैं फंसे हुए उसको निकालने में काम आता है। और कर है ये ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन माउथ। कभी भी अंगुली नहीं ले जाना चाहिए माउथ में। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या ये बता रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ये, यहाँ पे ये डायग्राम हम लोग देखते हैं कि टंग जो है हमारा, टंग में जो है ना रीजन ऑफ टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। ये जो टंग का ये सामने वाला पोर्शन है, यहाँ ये मिडिल वाला है, ये लास्ट वाला है, ये डिफरेंट पोर्शन है इसमें, और अलग अलग पोर्शन जो है अलग अलग टेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं फूड पाइप और एसोफेगस। ये फूड पाइप और एसोफेगस देखने के पहले जो है हम लोग ये डायग्राम ये देखते हैं यहाँ पे कि ये डायग्राम जो है ये कैसे है। यहाँ पे ह्यूमन में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका डायग्राम, ये जो है बकल कैविटी है, बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहाँ से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर गया है, इसको एसोफेगस हम लोग कहते हैं। एसोफेगस जो है आके नीचे स्टोमक में खुलता है, यहाँ गॉल ब्लैडर ये है, नीचे पैंक्रियाज है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट का जो स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट में रेक्टम है और लास्ट में ये एनस है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 से 4 बार हम कॉपी में बनाएंगे तब इसके बारे में विशेष जो है हमें जानकारी मिल सकती है कि क्या है ये। तो 3-4 बार हम लोग कोशिश करेंगे इसको बनाने के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो माउथ और बकल कैविटी के बारे में हमने देख लिया है, अब हम लोग देख रहे थे एसोफेगस के बारे में कि ये एसोफेगस क्या है। तो यहाँ पे आगे हम लोग चल रहे हैं एसोफेगस, यहाँ पे फूड पाइप हम लोग देख रहे थे। कह रहा है यहाँ पे फूड पाइप के बारे में कि द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। ये भी हम लोगों ने देखा फिगर 2.2। द फूड पाइप रन अलोंग द नी, करेगी गर्दन से होते हुए फूड पाइप जा रहा है। इसका एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, ये फूड जो है फूड पाइप होते हुए ये आ रहा है और फिर ये फूड एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है, फिर ये स्टोमक में जा रहा है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कैसे ये एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है।
अब हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। अब यहाँ पे फूड पाइप के बारे में एक दो लाइन और लिखा हुआ कह रहा है यहाँ पे कि फूड इज पुश्ड डाउन बाय मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। वॉल की मोमेंट होती है, उसके थ्रू जा रहा है। एक्चुअली दिस मोमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, कह रहे हैं कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मोमेंट होता है जो कि पुशेस द फूड डाउनवर्ड, जो कि फूड को डाउनवर्ड पुश कर रहा है। कह रहा है एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टोमक एंड इट इज़ वोमिट आउट, कह रहा है कि कभी कभी भोजन जो है भीतर नहीं जा पाता और वोमिट होके वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे आया हमारा स्टोमक। स्टोमक जो है यहाँ पे स्टोमक हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि थीक बॉल बैग है ये, थीक वॉल्ड बैग। स्टोमक क्या है ये, स्टोमक जो है ये स्टोमक क्या है, ये थीक वॉल्ड बैग है ये। इट शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड, ये शेप कैसा है, ये फ्लैटेंड यू शेप्ड है, ये फ्लैटेंड यू शेप्ड है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। कह रहा है यहाँ पे डायग्राम देखते हैं हम लोग, कहाँ गया डायग्राम इसका, डायग्राम हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि ये फूड जो है ये आता है एसोफेगस पे और स्टोमक में ये चला जाता है और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड यहाँ से बाहर चला जाता है। ये स्टोमक है, ये टोटल जो है ये स्टोमक है, ये एसोफेगस है और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ये शुरू हो जा रही है। तो स्टोमक जो है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोमक जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है और फूड यहाँ पे आता है, उसके बाद स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है। आगे कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करता है, इनर लाइनिंग जो है म्यूकस सीक्रेट करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट करता है। ये कह रहा है कि म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करता है ये म्यूकस, म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विथ आगे हम लोग यहाँ देखते हैं दैट इंटर अलोंग विथ फूड। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मूवमेंट में इसकी, तो आज हम लोग जो हैं, हाँ यहाँ पे ये आ गया, एंड मेक द मीडियम स्टोमक एसिडिक, कर है कि ये जो एसिड निकल रहा है, एंड मेक द मीडियम एंड मेक द मीडियम स्टोमक एसिडिक। एसिड निकलता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, लेकिन ये स्टोमक को एसिडिक बनाता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे, एक दो लाइन अभी देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे बता रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये ऊपर चला गया, थोड़ी सी नीचे लाने की कोशिश करते हैं हम।
स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ यहाँ पे ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है और 7.5 मीटर लॉन्ग है। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर, कह रहा है कि लीवर से इसके पास जो है सिक्रीशन आता है, लीवर से सिक्रीशन आता है और इसके अलावा ये पैंक्रियाज से यहाँ पे सिक्रीशन आता है। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल जो है ये जूस भी सिक्रीट करता है। तो एक दो लाइन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, एक दो लाइन लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर क्या है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है और सिचुएटेड कहाँ पे है, इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड है। कह रहा है कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर कह रहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो आंसर रहेगा कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बींग में वो क्या है, तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो पैंक्रियाज है। द पैंक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक, ये स्टोमक के पास है। ये पैंक्रियाज जो है लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है ये, और जस्ट बिलो द स्टोमक के नीचे है। इससे जो है पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे एक्शन करता है और उसको चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म में। तो ये थोड़ी बहुत हो गई हमारी पैंक्रियास के बारे में कि क्या है ये पैंक्रियास, और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो।